जब आपने इंट एम बोल दिया तो एम के लिए लोकेशन हो गया, ये कंपाइल टाइम पे हो गया। एम इज इक्वल टू सेवन जो है ये असाइनमेंट है, ये कंपाइल टाइम में नहीं होगा, ये जब आप ट्रांसलेट करके ए डॉट आउट प्रोग्राम रन करेंगे तब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे आपके प्रोग्राम की। तो ये इनमें फर्क समझ लीजिए, जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर ही बना के अलॉकेट कर देता है, लेकिन जब आप प्रोग्राम रन करेंगे उस समय एक्चुअल कैलकुलेशंस जो भी हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं एग्जीक्यूट होंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, एम इक्वल टू सेवन, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू सेवन लो और एम में डाल दो, ठीक है, ये वैल्यू सेवन आ गई यहाँ पे। अब ये क्या लिखा है, एम इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एम प्लस वन। तो यही बात जो बोला था कि इसको रीअसाइनमेंट बोलते हैं, ये इक्वेशन नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब कंपाइलर क्या करेगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन बनाएगा, वो बोलेगा कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को तो देखो ही मत क्योंकि असाइनमेंट स्टेटमेंट, अब राइट हैंड साइड में लिखा है 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 कैलकुलेट करो। तो किस तरह से कैलकुलेट करेगा वो 3m प्लस 1, ये कैलकुलेट करने के लिए उसे m की वैल्यू चाहिए, बाकी तो कांस्टेंट है। m की वैल्यू इस समय क्या है, 7, तो वो 7 वैल्यू लेगा, इसको बोलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1, ये बोलेगा 21 प्लस 1 और ये बोलेगा 20, ये नई वैल्यू आ गई एक्सप्रेशन। ये आप ख्याल में रखें कि इस समय तक उसे ये पता नहीं कि 22 वैल्यू कहाँ रखनी, क्योंकि वो बाई तरफ देख ही नहीं रहा, अब वो बाई तरफ देखेगा। बाई तरफ एग्जैक्टली एक वेरिएबल का नाम लिखा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिख सकते आप कुछ भी, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेशन एक मेमोरी लोकेशन में वैल्यू रखने के लिए किया जाता है, दूसरा कोई काम नहीं है इसका। अब ये होता है कि इस समय यहाँ पे एम दिख रहा है उसको, वो बोलेगा ठीक है 22 वैल्यू एम में रखना, तो ये उठा के वो एम में डाल देगा, ये वैल्यू निकल जाएगी, उसकी जगह 22 आ जाएगी। आप इसके पहले सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको वैल्यू 7 आएगी एम की, इसके बाद में लिखेंगे तो 22 आ जाएगी, तो रीअसाइनमेंट समझ गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब ये रीअसाइनमेंट का एक स्टेटमेंट होता है इंक्रीमेंट करना एक से, ये बाद में हम देखेंगे कि कई बार हमें जरूरत पड़ती है एक से इंक्रीमेंट करो या एक से घटाओ, जो भी काउंटिंग करते हैं अपन कई बार एक एक जोड़ते जाओ, जैसे कक्षा में कितने लोग आए तो कितने विद्यार्थी, तो एक एक जैसे आता जाएगा एक एक काउंट बढ़ाते जाएंगे, आखिर में हमें पता चलेगा। इस तरह का ऑपरेशन जो करना पड़ता है उसके लिए हम कई बार ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी, ये भी इक्वेशन नहीं आप समझ गए, इसका मतलब है कि पहले जो एम की वैल्यू है जैसे 22 है, अभी यहाँ पे हमने एम इक्वल टू एम प्लस 1 रख दिया, तो क्या करेगा पहले ये एम को देखेगा नहीं, एम प्लस 1 कैलकुलेट करेगा 22 अधिक 1 23 और उस 23 को यहाँ रख देगा, तो इसकी वैल्यू बदल के 23 हो जाएगी, अगले टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो 24 हो जाएगी। इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेशन, चूंकि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन हमें कई बार करने पड़ते हैं, इसके लिए सी प्लस प्लस ने एक सुविधा दे दी है कि आप उसको प्लस प्लस एम या माइनस माइनस एन ऐसा लिख सकते, और प्लस प्लस एम का मतलब सेम है, एम इज इक्वल टू एम प्लस 1, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं, प्लस प्लस एम का मतलब एम प्लस 1। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था ये चक्कर वाला स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा कि क्लास में चर्चा भी हुई थी कि इसको हम कैसे देखें, सेवन प्लस 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 जे लिखा है तो ठीक है, क्योंकि सेवन के बाद में प्लस ही आ सकता है, माइनस प्लस सार कुछ तो भी, तो इसका मतलब हमने ये निकाला था सेवन प्लस 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 जे होगा। अब चूंकि प्लस प्लस जे का मतलब है जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे इक्वल टू जे प्लस 1 कंप्यूटर बनाएगा, वो जे की जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करेगा एक, उसको जे में डाल देगा, और चूंकि वो वैल्यू जे में फाइनली असाइन हुई है इस पूरे टर्म की वैल्यू वो हो जाती है, जैसे यहाँ पे जे प्लस 1 6 था, 6 असाइन हुआ तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, तो 7 अधिक 6 करके उसने 13, इस तरह से कंप्यूटर कैलकुलेट कर। हालांकि इस तरह से लिखना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ऐसा लिखने से हम कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, प्लस 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 ऐसा कोई होता है, हम लोग कभी नहीं लिखते गणित, हमें अगर ये लिखना है कि भाई जे की वैल्यू चेंज करो एक से और फिर उसको 7 में जोड़ो, तो क्या इस तरह से लिखना ज़्यादा ठीक नहीं है, प्लस प्लस जे सेमी कोलन और फिर लिखा आई इक्वल टू 7 प्लस जे, ये हमारे भी समझ में आती है, कंप्यूटर के भी समझ में आती है। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया था कि ऐसा ना लिखें, हमें जो भी कंप्यूटेशन करना है जो वैल्यू डालनी है वो सीधी तरह से इस तरह से बस। इसके बाद में ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा था, ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है
कि ये जैसे बाद में अगर प्लस प्लस लिखा हमने या बाद में माइनस माइनस लिखा, उसका मतलब वही है, जे इक्वल टू जे माइनस वन और आई इक्वल टू आई प्लस, जो पहले वाले का, यानी प्लस प्लस जे और जे प्लस प्लस में इन प्रिंसिपल कोई फर्क नहीं, वो दोनों एक ही करते। अगर उनको हमने किसी बड़े एक्सप्रेशन में यूज किया है तो फिर उस समय उसका मतलब अलग अलग हो जाता। जैसे मान लीजिए कि हमने I इज इक्वल टू सेवन स्टार J प्लस प्लस लिखा, प्लस प्लस J की जगह, प्लस प्लस J का मतलब होता था J इक्वल टू J प्लस वन, इसका भी मतलब वही होगा, लेकिन ऐसा लिखने से ये प्लस प्लस को इग्नोर करके पहले जो J की आज की वैल्यू है वो यूज करके एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर देगा और उसके बाद में J को इंक्रीमेंट, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये इस वाक्य का मतलब हुआ I इज इक्वल टू सेवन स्टार J एंड J प्लस प्लस। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, अगर हमें J की वैल्यू पहले बढ़ना चाहिए और वो बढ़ी हुई वैल्यू यूज करना चाहिए तो हमें ऐसा लिखना चाहिए J प्लस प्लस I इक्वल टू सेवन स्टार। ये भी उदाहरण ऐसे दिया है कि इस तरह के यूसेज न करें। हमें जो भी करना है, भाई J की वैल्यू बढ़ाना है अलग से बढ़ाओ, J की वैल्यू कम करना है अलग से कम करो, बढ़ी हुई वैल्यू को ऐड करना है तो पहले बढ़ा के फिर ऐड करो, अगर पुरानी वैल्यू को ऐड करना है और बाद में बनाना है तो ऐसा लिखो। ये लिखने का सही तरीका है, ठीक है। और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन था कि हमें कई बार ऐसे लिखना पड़ता है कि जैसे एक से नहीं बढ़ाना है m को, हमें m में 2n ऐड करना है, हमें m में 35 ऐड करना है, हमें m इज इक्वल टू m प्लस x स्टार y लिखना है, कोई तो भी बड़ा एक्सप्रेशन, यानी चेंज हमें m को ही करना है लेकिन किसी अलग तरीके से करना। तो इसके लिए ये शॉर्टकट है, एम प्लस इक्वल टू टू स्टार एन लिख दिया, इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है, एम इज इक्वल टू एम प्लस टू। तो ऐसा लिखने की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं, अब ये आपका चॉइस है कैसे लिखें। ये हमने अलग अलग तरीके असाइनमेंट ऑपरेशन लिखने के इसलिए बताए हैं कि जब आप किताबों में प्रोग्राम पढ़ेंगे तो कई जगह इस तरह के यूज आएंगे तो आपको पता चलना चाहिए क्या लिख रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से लिखो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए प्रोग्राम खाली एक ही तरह से लिखा जा सकता है। आप अगर 10 लोग प्रोग्राम लिखे तो 10 ही लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, प्रोग्राम का उत्तर फिर भी एक ही आएगा अगर आपने सही एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया है। तो लिखने की अपनी अपनी स्टाइल आप डेवलप करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह से लोग लिखते हैं प्रोग्राम, और इसमें झिझकने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, लिखते चले जाओ। गलती हुई तो मैंने जैसे बताया था कंप्यूटर चिल्लाता नहीं है, खाली वो बता देता है भाई अब मेरे समझ में नहीं आया या गलत उत्तर दे देगा। आप उसको एडिट करो प्रोग्राम को, 50 बार एडिट करो, वो थकता नहीं, 50 बार कंपाइल करेगा, 50 बार एग्जीक्यूट करेगा। आपको लैब में ये देखना है कि कितना आप जल्दी, कोई भी एक प्रोग्राम है तो हमेशा लैब में याद रखें एक तरफ एडिट विंडो खुली रहे जी एडिट और एक तरफ कमांड टर्मिनल खुला रहे। यहाँ जैसे आपने कोई प्रोग्राम है उसको लिखा सी प्लस प्लस समथिंग समथिंग, उसके बाद बोला डॉट स्लैश ए डॉट आउट, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, नहीं चला ठीक से, फिर दाहिनी तरफ देखो विंडो में जाओ, वो एडिट करो उसको, प्रोग्राम देखो कहाँ स्टेटमेंट गलत है कहाँ सही है, उसको सेव करो, सेव करने के बाद तुरंत इस विंडो में आ जाओ फिर से कंपाइल करो। आप एक समय में 10-10, 15-15 बार कंपाइल करके करेक्ट करके उस प्रोग्राम को सही कर सकते हैं। ये सुविधा जो है पहले नहीं थी, हमारे समय में पता था कैसे होता था, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे तो पंच कार्ड होते थे उसके ऊपर प्रोग्राम पंच करते थे, ऐसा बड़े 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा तो 50 कार्ड का एक बंडल बनता था, तो वो बंडल हम कंप्यूटर सेंटर में जमा कर देते कि भाई ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल करके रन करके दे दो। फिर तीसरे दिन हमें वो बंडल वापस मिलता था कुछ कागज के साथ, और अक्सर ये होता था कागज में लिखा रहता था कि आपके प्रोग्राम में 13वीं लाइन में गलती है, यानी 3 दिन बाद हमें पहली गलती का पता चला। फिर शाम को बैठ के वो पंच करते थे कार्ड, फिर से देते थे, 3 दिन बाद फिर दूसरी गलती मिलती। तो ऐसे 7-7, 8-8 दिन लगते थे एक प्रोग्राम कंपाइल करके रन करने के लिए, और आप 15 मिनट में 8 बार कंपाइल कर सकते हो। देखिए कितना समय आगे चला गया, कितनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई। चलो।